गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्म बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। अब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो किस चीज़ से बनी हुई है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स से। इट इज़ अ थिक कॉर्ड लाइक अ बंडल ऑफ अ नर्व सेल। अब ये जो है आपकी, ये एक थिक कॉर्ड है जो कि किस चीज़ से क्या कहलाती है? बंडल ऑफ नर्व्स सेल्स, ठीक है। मैसेज ट्रेवल along the spinal cord to and from the brain। क्या है कि जो आपके मैसेज ट्रेवल करते हैं, मीन्स कि आप मैसेजेस को पास करते हो, वो कहाँ से कहाँ क्या जाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन तक। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक अ कनेक्टिंग केबल। अब ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक केबल की तरह काम करती है। इट कनेक्ट द नर्व्स टू द ब्रेन। अब ये यहाँ पे ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। और ऊपर का जो ये पार्ट दिखा रखा है, यहाँ से तो ये पार्ट जो आपका है, ये स्पाइनल कॉर्ड का शो कर रहा है। और ये यहाँ पे जो है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिबल कॉलम, ठीक है। और नीचे का जो होता है उसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इट कनेक्ट द नर्व्स टू द ब्रेन। इट इज़ वेल प्रोटेक्ट इन द फ्लेक्सीबल बट टफ बोनी स्पाइन। यानी ये प्रोटेक्ट करती है यानी, और फ्लेक्सीबल होती है बट टफ बोनी स्पाइन, जो कि आपकी टफ बोनी स्पाइन, मतलब कि भी अगर, और ये जो बोनी स्पाइन का यहाँ पे रिलेटेड किस चीज़ से है कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही वो कर दी जाए, प्रोटेक्ट ना करी जाए, तो आपकी टूट सकती है। तो वो किससे कवर होती है? वर्टिबल कॉलम से कवर होती है, तो जिससे आपकी प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। समबडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। अब कुछ एक मूवमेंट्स आपकी बिना सोचे समझे हो जाती हैं। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी एंड इवेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब सपोज करो, आप क्या कह के, आपका माइंड कहता है कि मुझे यानी ये मेरे को कुछ चोट लग गई है। सपोज करो आपका काटे के ऊपर हाथ लग गया, क्या आपके माइंड ने ये कहा कि भी मेरे को किसी फूल को तोड़ना है और उसमें काटा जो चुभाना है? वो आपने, आपके माइंड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिकली लग जाना, डेट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड अ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो उसका रिएक्शन होता है वो सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। For example, your mouth gets watered at the sight of ice cream and a chocolate. जब आप ice cream और chocolates को देखते हो तो आपका automatic आपके mouth में पानी आ जाता है। Similarly, the action such as a moving your hand away for a thorn और नीडल टेक्स प्लेस विदाउट द मैसेज गोइंग टू द ब्रेन। अब देखो, ये आपके सामने एक पिक्चर शो कर रखी है। अब आपका ऑटोमेटिक आपका हाथ इस थॉर्न पे, यानी एक कांटे के ऊपर लग गया, ठीक है, और या नीडल सुई के ऊपर, तो क्या होगा? आप इंस्टेंट, आपको मैसेज किसने दिया? ब्रेन ने दिया। तो आप क्या करोगे उसमें? द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउ फास्ट रिएक्शन। आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? एकदम हाथ को पीछे करना। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन अ टचिंग द थॉर्न और अ नीडल द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, अगर आपका हाथ लगा है तो आपकी सेंसरी नर्व्स ने क्या मैसेज दिया? किसको दिया? ब्रेन को दिया। और ब्रेन से कहाँ पर आया आपका मैसेज? स्पाइनल कॉर्ड तक। देखो क्या बोला है, द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज मिला, और एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर द हैंड टू विड्रॉल इमिडिएटली। देखो यहाँ से एग्जांपल से, पिक्चर से समझिए आप इसको। ये आपकी मसल्स हैं, ठीक है। अब अगर द मैसेज इज कैरीड टू द स्पाइनल कॉर्ड तो द नर्व्स, अब ये मसल्स शो कर रही हैं, तो आपको अगर लगा है तो आपकी मसल्स ने क्या करा? आपकी मसल्स को पेन हुआ, तो वो मैसेज किसके पास वो कर रहा है? द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर टू विड्रॉ द हैंड इमिडिएटली। अब अगर आपको टच हुआ, आपकी मसल्स का मैसेज किसके पास जा रहा है? सॉरी,
आपको टच, आपने टच करा, तो टच करने के बाद क्या हुआ, आपने एकदम हाथ पीछे हटाया, वो मैसेज किसने दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने। इट मीन्स कि आपकी मोटर नर्व्स ने काम करा, जो कि किसके पास वो मैसेज गया, मसल्स के पास, तो आपने इंस्टेंट अपना हाथ दूर कर लिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।